नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आपका सबका स्वागत है हमारे स्टॉक्स फॉर द वीक के नए वीडियो में। अभी लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडेक्स थोड़ा वॉलेटाइल लग रहा है और आप लोगों को मैंने विक्स के बारे में भी बताया था कि विक्स थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है तो आने वाली वीक में हम लोगों को शायद ज़्यादा वॉलेटाइलिटी देखने मिल सकती है। और हम लोग ने देखा ही कि जो निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 17,900 से लेके 17,450 तक का लो मार दिया। अभी हम लोग पॉइंट वाइज बात करें तो ऑलमोस्ट 480 पॉइंट जितना ये निफ्टी वाइज इसमें फॉल हुआ है लास्ट वीक। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो ऑलमोस्ट 38,300 से लेके 36,900 तक का हम लोगों को फॉल देखने मिला है। अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं बैंक निफ्टी में तो ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट हम लोग ने बैंक निफ्टी का फॉल देखा और निफ्टी में आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का फॉल। तो अभी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में विक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि भाई विक्स थोड़ा इंप्रूव हो रहा है तो हम लोगों को वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचे कमेंट किया था वो वीडियो के कि सर हम लोगों को विक्स के बारे में बताइए। तो देखिए ये वीडियो में मैं आप लोगों को विक्स के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। रुको जरा, सबर करो। बट मैं हमारे आने वाले वेनसडे वाले वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर विक्स के बारे में बताऊंगा कि एग्जैक्टली विक्स होता क्या है और विक्स को हम लोगों को कैसे यूज करना चाहिए। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें विक्स के रिलेटेड जो मिथ है मार्केट में वो सारी चीज आप लोगों के साथ क्लियर करूंगा। तो ये जो विक्स रिलेटेड वाला जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ आने वाले वेनसडे शेयर करूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आप लोगों को जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये तो बात रही हमारे लास्ट वीक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। अभी आने वाले वीक में मुझे मार्केट थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है स्टेबल लग रहा है कि अभी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी में हम लोगों को 17,450 का एक सपोर्ट है और हम लोग ने देखा कि ये वीक में निफ्टी ने वही लो मारा और यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल साइन बता रहा है। तो अभी आने वाले वीक में मेरे लिए इंडेक्स का जो सपोर्ट है वो 17,430-450 है और अगर इसके नीचे चले जाएगा मार्केट तो हम लोग 16,800 तक का भी लेवल देख सकते हैं। आने वाले वीक में जो निफ्टी का मेरा रेजिस्टेंस है वो 17,950 और 18,200 का है। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में मेरा जो सपोर्ट है वो 36,800 है और अगर इसके नीचे जाता है तो 36,250 का मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 37,900 और 38,300 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अभी ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई आने वाले वीक में मुझे मार्केट क्या लग रहा है और कौन सा सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल है जहां पे आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए इंडेक्स बेसिस पे। अभी अगर मैं विक्स की बात करूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि विक्स अभी थोड़ा कूल डाउन हो रहा है। हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक में विक्स का जो लेवल है वो 13% से ऑलमोस्ट 19-20% तक गया था। अभी हम लोग ने देखा कि क्लोज हुआ है समवेयर अराउंड 17 पॉइंट के आसपास। तो मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि आने वाले वीक में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी जो हमने लास्ट वीक में देखी थी वो थोड़ी कूल डाउन होगी। अब मैंने ये सारी बात आप लोगों को बता दी इंडेक्स रिलेटेड और विक्स रिलेटेड। अभी आज के वीडियो में एक्चुअली मैं आप लोगों को बोलूं तो स्टॉक सिलेक्ट करना मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। बिकॉज 3-4 ऐसे स्टॉक थे जो मुझे अच्छे लग रहे थे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। उसमें से एक तो टाटा पावर था जो मैंने आप लोगों को हमारे स्टॉक फॉर द ईयर वाले एपिसोड में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। मेरे ख्याल से वो हमारा 3rd एपिसोड था जहां पे मैंने आप लोगों के साथ टाटा पावर का प्रॉपर एनालिसिस शेयर किया था। तो मैंने सोचा कि मैं वापस से टाटा पावर यहां पे डाल के मेरा क्या फ़ायदा है, तो मैंने वो टाटा पावर को सिलेक्ट नहीं किया। उसके बाद मेरे पास एक स्टॉक था गॉडफ्रे फिलिप्स, अभी वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा उसका चार्ट सेटअप था, सब कुछ अच्छा था। बट बिलीव मी, मैं पर्सनली ऐसे कन्विंस नहीं हो रहा था कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं या नहीं। देन फाइनली मुझे ऐसे दो स्टॉक मिले जो मुझे ऐसा लगा कि यस, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी कोई स्टॉक टेक्निकली अगर ब्रेकआउट देता है और मैं बहुत कन्फ्यूज होता हूं तो मैं थोड़े बहुत फंडामेंटल्स को देख लेता हूं। अब मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है फंडामेंटल्स के बारे में, पर जितना भी नॉलेज है उस हिसाब से मैंने वो स्टॉक को देखा और मुझे ये लगा कि ये दो स्टॉक में से एक स्टॉक ऐसा है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टर्न अराउंड स्टोरी है और हम लोगों को शायद 100% तक का रिटर्न दे सकता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे लेके जाता हूं और बताता हूं कि ये दोनों स्टॉक कौन से है और स्पेशली वो स्टॉक कौन सा है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी है, हम लोगों को 100% तक का रिटर्न दे सकता है। तो चलिए मेरे स्क्रीन पे। तो आज का हमारा जो सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड। अभी आप लोग जो त्रिवेणी का चार्ट देख रहे हो, मतलब त्रिवेणी टर्बाइन का चार्ट देख रहे हो, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है।
अभी ये स्टॉक के ब्रेकआउट में मुझे कुछ दो तीन चीजें पसंद आई है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग चार्ट देख के समझ ही गए होंगे कि मैंने ये चार्ट को ज्यादातर क्यों सिलेक्ट किया है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो वॉल्यूम का बेस 2019 नवंबर मंथ से ही बहुत अच्छा हो रहा था, और मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम्स के बार भी बढ़ रहे हैं। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर्स लोगों का एकदम फुल फ्लेज में कंट्रोल है, मतलब बायर्स लोग अपने स्टॉक के प्राइस को एकदम अच्छी तरीके से और बहुत ही इजीली ऊपर लेके जा रहे हैं। और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन जिसके लिए मैंने ये स्टॉक को सिलेक्ट किया है वो बहुत ही क्लियर है, वो आप लोगों को ऑलरेडी दिख गया होगा कि भाई ये स्टॉक ने 150s के आसपास या 151 के आसपास एक अच्छा ब्रेकआउट किया है। अभी ये स्टॉक ने ब्रेकआउट तो किया है वो बात तो श्योर है, बट आप यहाँ पे ये भी देखो कि इसका ब्रेकआउट के टाइम पे जो कैंडल है वीकली टाइम फ्रेम का वो भी कितना स्ट्रांग है, तो वो भी एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। अभी यहाँ पे मिला जुला के सारी चीज़ें मुझे एक चीज़ बताती है कि भाई एक पॉइंट तो ये है कि ये स्टॉक ने 2015 का ब्रेकआउट किया है। अगर हम लोग 2015 से अभी के ईयर को कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी ये बहुत पुराना ब्रेकआउट है, बहुत सालों बाद ये स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के टाइम पे ये स्टॉक ने प्राइस वाइज भी बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम दिया है जो आपने यहाँ पे देखा, और ब्रेकआउट के साथ साथ हमने ये भी देखा कि यहाँ पे वॉल्यूम के बाद भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कोई तो है जो ये स्टॉक को कंटिन्यूसली अच्छे से एक्यूमुलेट कर रहा है। अभी हम लोग ने देखा था कि भाई ये स्टॉक ने 2017 में एक अच्छा अटेम्प्ट किया था पर वो अटेम्प्ट प्रॉपर नहीं हुआ, उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ से आप बोल सकते हो कि 45 रुपीज़ तक आ गया था डाउन साइड में। तो अभी मोटा मोटी सारी चीज़ें मिला के मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक ने 150 के आसपास ब्रेकआउट किया है। अगर ये स्टॉक वापस से डाउन साइड में 130 रुपीज़ लेवल को ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा, और अपसाइड पोटेंशियल ये स्टॉक में मेरी 280 और 300 तक की है, तो आप ये स्टॉक को एक अच्छी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हो। अभी आज के लिस्ट में हमारा जो सेकेंड स्टॉक है जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है उसका नाम है PSP Projects Limited। अभी देखो ये कंपनी रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीज़ें बनाती है। ये कंपनी के जो ओनर है इन लोगों के पास ये कंपनी का 75% स्टेक है, और अगर ये कंपनी की आप बैलेंस शीट देखोगे तो ये डेट फ्री कंपनी है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर मुझे ये कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग लगी, और टेक्निकली भी ये स्टॉक में मुझे एक टर्न अराउंड स्टोरी लग रहा है। अभी पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये स्टॉक का जो शुरुआत है वो कहीं यहाँ से कहीं से हुआ था, उसके बाद ये स्टॉक ने हम लोगों को ऑलमोस्ट 600 तक की अच्छी मूवमेंट दे दी थी। 600 के बाद वापस से ये स्टॉक अभी रिसेंटली जो फॉल आया था उसमें 238 गया था, वापस से ये स्टॉक ने एक अच्छी मूव दी, वापस से यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और अभी फाइनली एक स्मॉल टाइम का रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है। तो अभी ये स्टॉक में मेरा जो एनालिसिस है वो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अभी रिसेंटली ये स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट की अगर मैं लेवल की बात करूँ तो 495 के आसपास का ये लेवल है जो स्टॉक ने अभी ब्रेक किया है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे भी ब्रेकआउट कैंडल भी बहुत स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली ये ब्रेकआउट अच्छा ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्टॉक ने यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल ब्रेकआउट किया है, मतलब वो भी एक पॉजिटिव चीज़ होती है अगर हम किसी ब्रेकआउट को देखते हैं तो, ये ब्रेकआउट के पैटर्न्स होते हैं बेसिकली। और आप यहाँ पे हमारे पिछले स्टॉक जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो कि वॉल्यूम के बेस भी यहाँ पे अच्छे बन रहे हैं। इन शॉर्ट सारी चीज़ें मिला के मुझे ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट तो बता दिया, बट अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों को एक चीज़ ये भी पता चलेगा कि अभी स्टॉक बहुत ही नियरेस्ट है अपने एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए, और ये जो ट्रेंड लाइन है वो 2018 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर ये स्टॉक और अच्छी तरीके से ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर देगा, ऑलरेडी इसने 495 लेवल तो ब्रेक कर ही दिया है, इसने अपना जो लाइफ टाइम हाई लेवल है 595 वाला अगर वो भी ब्रेक कर देगा तो हम लोगों को 900 का लेवल देखने मिल सकता है। और अगेन स्टॉक ये जो अपना बेस है जहाँ पे ये स्टॉक थोड़े टाइम के लिए घूम रहा था 420s का लेवल, डाउन साइड में अगर वो ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा। तो ये मुझे एक टर्न अराउंड स्टोरी लग रहा है जो हमें एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो ये थे मेरे दोनों स्टॉक। अभी मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को अगर फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में ज़्यादा अच्छा नॉलेज है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि कौन से स्टॉक के फंडामेंटल्स ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं आप लोगों की कमेंट्स की राह देखूंगा। तो ये थे मेरे वो दोनों स्टॉक जो मुझे आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लग रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों को हमारे ये चैनल पे हमेशा एक चीज़ प्रूव करके दिखाई है कि अगर आप प्राइस को फॉलो करोगे तो आप कभी भी मतलब परेशान नहीं होगे, आप लोगों को ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पे मेरा आप लोगों को बोलना सिर्फ एक ही होता है,
कि आप कोई भी चीज को फॉलो करो, किसी भी मेथड को फॉलो करो या किसी भी इंडिकेटर को फॉलो करो या सिर्फ प्राइस को फॉलो करो जिसको मैं भगवान भी बोलता हूँ, पर आप उसमें मास्टरी करिए। अगर आप एक चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहोगे ना रेगुलरली बेसिस पे, तो आप उसमें मास्टर हो जाओगे। तो अगर आपको ऐसे ही प्राइस एक्शन के रिलेटेड और ही अच्छी ज्यादा तरीके से सीखना है, या फिर आप लोगों को मेरा थॉट प्रोसेस समझना है, मेरा माइंडसेट समझना है कि मैं मार्केट के अंदर क्या सोचता हूँ, और ज्यादातर लोगों का क्या होता है, उनका एनालिसिस तो राइट होता है बट वो होल्ड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ बोलते हैं ना लो कन्विक्शन लो कॉन्फिडेंस। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें गेन करनी है तो आप हमारा अक्टूबर मंथ का जो ऑनलाइन वर्कशॉप है वो ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। शायद ये हमारा लास्ट ऑनलाइन वर्कशॉप होने वाला है, इसके बाद मैं कोई भी वर्कशॉप नहीं लेने वाला हूँ रिलेटेड टू द ऑनलाइन। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप कर सकते हो, और वहाँ पे भी अभी कुछ लिमिटेड सीट्स बाकी है बिकॉज मैं ज़्यादा पार्टिसिपेट्स को नहीं लेता बिकॉज ये ऑनलाइन है, तो अभी जितने कम लोग रहेंगे उतना मुझे एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आप लोगों को उसके रिलेटेड और डिटेल जाननी है तो मैंने नीचे लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हो। और अगर आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, आज का मेरा एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। होल्ड अप, सम कुछ बाहर आवाज आ रहा है तो ये बोल के आ रहा है, एक मिनट। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज़।